आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल कन्या पूजन थाली। नवरात्रि के दिनों में आखिर में हम अष्टमी की या नवमी की पूजा करते हैं। अष्टमी की किसी के घर में अष्टमी की, किसी के घर में नवमी की पूजा की जाती है, जिसमें कन्याओं की पूजा की जाती है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है। कन्याओं के भोग के लिए हम प्रसाद तैयार करते हैं और एक थाली तैयार करते हैं। तो आज हम वही थाली यहाँ तैयार करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। उसमें हम चने की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, या आप दही वाले आलू भी बना सकते हैं, और खीर, हलवा और पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड सेल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कन्या पूजन थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम खीर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप चावल भिगो के रख दिए हैं, इसे हम एक घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने एक लीटर दूध लिया है, उसको उबलने के लिए रख दिया है। लगातार चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे। दूध में उबाल आने के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए दूध में उबाल आ गया है, तो हम चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे ही खीर बनानी है। मैंने यहाँ कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और कलर भी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। तो चलिए चलाते हुए ही हम खीर बना लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है, ये आधा कप है, लेकिन मैंने आधे कप से थोड़ी सी कम इसमें चीनी ली है। आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ चीनी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे चला लेते हैं अच्छे से। यहाँ मैंने थोड़े कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। देखिए खीर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो खीर तैयार होगी, तब तक हम सब्ज़ी बना लेते हैं। चने की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच घी लिया है और 1 से 2 चुटकी मैंने हींग डाल दी है। आधा छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे और आधी छोटी चम्मच ही मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है। तो चलिए इसे हम भून लेंगे अच्छे से। 1 बड़ा चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इसे भी भून लेंगे। 1 चम्मच मैंने हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और आधी छोटी चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। आप चाहें तो जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। चलिए मसाला भून लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चने लिए थे, उसे रात भर भिगो के और फिर मैंने 3 सीटी लगाकर कुकर में 3 सीटी लगवाकर मैंने इसको पका लिया है। और पकाने के लिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला था। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच नमक लिया है। नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक हमने पहले भी उबालते टाइम भी यूज़ किया था। तो इसे ढक कर हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए चने की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, ये डाल देते हैं और अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे, इसे भी मिला देंगे। देखिए चने की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। हम इसे ढक कर रख देंगे, तब तक दूसरी सब्ज़ी बनाएंगे। आलू की पतली वाली सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है और 1 से 2 चुटकी मैंने हींग डाल दी है। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा भूनने के बाद यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच ही खड़ा हुआ धनिया लिया है, यानी कि धनिया के बीज लिए हैं। इसे हम हथेली पर थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ अदरक ली है। चलिए भून लेते हैं मसाले। 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, इसे भी भून लेंगे। 1 मैंने टमाटर लिया है, जिसे बारीक कट कर लिया है। टमाटर अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें टमाटर की जगह
तीन से चार बड़े चम्मच दही भी डाल सकते हैं। चलिए टमाटर को पका लेंगे अच्छे से। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच या भुना हुआ जीरा, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने गरम मसाला डाल दिया है और एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ आमचूर पाउडर डाल दिया है। तो चलिए मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। और सारे मसाले हम अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ एक छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम आलू डालते हैं। यहाँ मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये इनको उबाल लिया है और थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है इनको, तो ये मिला देते हैं। यहाँ आप सूखे आलू भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं तरीदार आलू बना रही हूँ। तो चलिए मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अच्छे से मिलाएंगे और इसे ढक कर हम तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तीन से चार मिनट हो गई है, देखिए आलू की सब्जी बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसे हम क्रश करके डाल देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। अच्छे से मिलाएंगे। आलू की सब्जी भी बनकर तैयार है। अब हम इसे ढककर दो से तीन मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तब तक हम आटा लगाते हैं। पूरी का आटा लगाने के लिए यहाँ मैंने तीन कप आटा लिया है और उसमें एक छोटी चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और दो बड़े चम्मच मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मसल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पूरी का आटा लगा लेंगे। नॉर्मल जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं ऐसे ही आटा लगा लेंगे। देखिए आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल सही लगा है, ना ही तो ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। तो इसे हल्का सा तेल लगाकर हम ढककर 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक चौथाई कप घी लिया है, डाल लेते हैं। घी के पिघलने के बाद यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है। सूजी को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। सूजी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है और ये बिल्कुल पतली पतली लग रही है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट भी सूजी के साथ भून जाएंगे अच्छे से। तो चलिए इन्हें भी भून लेते हैं। देखिए सूजी का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हम गरम पानी डाल देंगे इसमें। करीब करीब दो कप हम गरम पानी डालेंगे। आप गरम पानी की जगह चाहे तो चाशनी भी बना सकते हैं। दो कप पानी लीजिए और आधा कप आप चीनी ले लीजिए, उसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिए और वो डाल दीजिए। लेकिन मैंने यहाँ गर्म पानी का यूज़ किया है। ठंडा पानी यहाँ बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें। तो चलिए हम चलाते हुए इसे पकाएंगे अच्छे से। यहाँ मैंने करीब करीब दो कप पानी
इसमें डाल दिया है। आधा कप अगर हम सूजी लेंगे तो उसमें 2 कप पानी लगेंगे और आधा कप चीनी। तो चलिए लगातार इसे चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है, आधा कप ही सूजी लेंगे और आधा कप ही उसमें चीनी डाल देंगे। चीनी अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये हल्का पतला लगेगा आपको, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप टाइट होता जाएगा। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ, जिससे हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी शाइन आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। देखिए हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल रसीला और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग इसमें है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम पूरियां बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो गया है आटा, और मैंने हल्का सा इसको मसल लिया है। अब हम इसमें से लोइयां बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे लोइयां बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी पूरी आपको चाहिए आप उतनी बड़ी लोइयां बनाकर तैयार कर लें यहाँ। अब मैंने यहाँ चकले पे और बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, और इसे हम पूरियां बेल लेते हैं। पूरियां आप किनारे से बेलना, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। देखिए बिल्कुल इतनी पतली हम पूरियां बेलेंगे, और भी बेल लेते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे अब हम फ्राई कर लेंगे। पूरियां फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए और फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे। गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए, तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। तो पूरियां हम यहाँ तल लेते हैं अच्छे से, और पूरियां डालने के बाद हम हल्का सा कलछी से जैसे दबाते रहेंगे, जिससे पूरियां फूल जाएंगी। देखिए ऐसे दबाते हुए ही हम पूरियां बनाएंगे। ये हो गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। और डाल लेते हैं, और ऐसे दबाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा हम कलछी से दबाएंगे तो ये अपने आप ही फूल जाएगी, और दोनों तरफ से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। चलिए ये भी हो गई है, निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे, और तेल को हम अच्छा गरम करेंगे तो ही पूरियां हमारी फूली फूली बनकर तैयार होंगी। तो चलिए सारी पूरियां हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, जो भी प्रसाद में हम बनाते हैं। थाली बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं, और अष्टमी की या नवमी की जो भी आपके घर में पूजा होती हो तो आप ये थाली बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कन्या पूजन की ये बहुत ही अच्छी थाली है। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। आप अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने थाली में क्या क्या बनाया है, और आपको ये थाली कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए, और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।